नमस्कार दोस्तों, हम सीख रहे हैं 2D एनिमेशन और 2D एनिमेशन में आपको बता रहे थे एनिमेट सीसी के बारे में। दोस्तों मैंने पीछे के वीडियो में आपको दिखाए थे कि कैरेक्टर हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जो एक सीन क्रिएट किया गया है मेला का, इस टाइप का सीन कैसे क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे के बैकग्राउंड में जो है ये घूम रही है, जो बड़ा सा झूला, उसको हम क्रिएट करके दिखाएंगे। और इसको मैं क्या करूँगा, इलस्ट्रेटर में क्रिएट किया गया है उसको मैं इंपोर्ट करके एनिमेट सीसी में प्रॉपर दिखाऊंगा कैसे हम करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चैनल दिखा रहा हूँ जिसका नाम है हिंदी कहानियाँ। इस पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैं कार्टून बना के लगाता हूँ। अगर दोस्तों इस चैनल को आप इतने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा चैनल जो है ग्रोथ हो सके। तो चलिए दोस्तों टॉपिक पे वापस आते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लैंक स्क्रीन है और मैं इस पे जो है उस जो सीन्स है उस सीन्स को क्रिएट करके दिखाऊंगा। हमारे पास देख सकते हैं इलस्ट्रेटर में ये हमारा एक क्रिएट किया गया है जिसको कि झूला बोलते हैं, और इसको मैं इम्पोर्ट करूँगा एनिमेट सीसी में और इसको मैं एनिमेशन करूँगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो है मेला का इलस्ट्रेटर का बना हुआ है, मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट किए, ये हमारे पास जो है क्रिएट हो गया है। इसको मैं क्या करता हूँ F8 करके सिंबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर जाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये सभी को पहले सिंबल में कन्वर्ट करेंगे। हम सभी को सिंबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस टाइप से हमने सभी को वन बाय वन करके मैंने सिंबल में कन्वर्ट कर लिए। अब हमें क्या करना है, सबसे ऊपर हमारा जो है ये रहेगा, इस जो हमारा जो ये रोटेट हो रहा है इस टाइप से, इसको मैं सबसे ऊपर रखूँगा। आप कंट्रोल और कीबोर्ड से अप बटन करेंगे तो ये जो है ऊपर हो जाता है। उसके बाद मैं जो है इसको भी सबसे ऊपर रखूँगा, कंट्रोल अप कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सभी को सेलेक्ट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट लेयर करेंगे। यहाँ से मैं डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर लेता हूँ। यहाँ से अब देख सकते हैं सभी जो है अलग अलग लेयर में क्रिएट हो गया है। मैं क्या करता हूँ इसको मैं साइड में रख लेता हूँ यहाँ पर। इस टाइप से मैंने साइड में रख लिए और जो कि हमें पूरा स्क्रीन दिखे। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको एनिमेशन करूँगा जो रोटेट करना है, इस टाइप से जो रोटेट होना है। तो इसके लिए हमें जो है 6 सेकेंड तक हम इसको एनिमेशन करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ 6 सेकेंड पे जाता हूँ, F5 प्रेस करते हैं, यहाँ तक जो है हमारा, यहाँ तक हमारा फ्रेम क्रिएट हो गया है आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं एनिमेशन करूँगा, रोटेट करूँगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी में जाते हैं। यहाँ से प्रॉपर्टी में जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेम में जाते हैं। फ्रेम में जाने के बाद अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से मैं किस करूँगा क्लासिक ट्विन, और क्लासिक ट्विन करने के बाद, क्लासिक ट्विन करने के बाद मैं इस पर पॉइंटर पर सेलेक्ट करूँगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑटो का ऑप्शन आ रहा है रोटेट का, इस पर क्लिक करेंगे और क्लॉक वाइज इसको कर देंगे। क्लॉक वाइज जो ही करेंगे आप देख सकते हैं ये जो है रोटेट होना शुरू हो गया है। और सभी को मैं क्या करता हूँ क्लासिक ट्विन कर देता हूँ पहले। तो इस टाइप से मैंने जो है इसको एनिमेशन लगा दिया हूँ आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से। अब मैं क्या करूँगा, इसके हर फ्रेम पर मतलब 5-5 फ्रेम पर हम इसको जो है झूले को एनिमेशन करेंगे इस रोटेशन के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करता हूँ सिर्फ इस जो फ्रेम है इस पर हम एनिमेशन नहीं लगाएंगे, इसके नीचे से लगाएंगे। यहाँ पे मैं एक क्या करता हूँ फ्रेम क्रिएट करता हूँ, F6 लगाता हूँ यहाँ से, और मैं फिर से क्या करूँगा इसको हर पॉइंटर पे लगाएंगे यहाँ पर।
आप देख सकते हैं इसके जो है इस पॉइंटर के अकॉर्डिंग मैंने इसको एनिमेशन किया हूँ। तो इसी टाइप से जो है हर 5 फ्रेम पे आपको इसको जो है रोटेट करना पड़ेगा झूले को इस रोटेशन के अकॉर्डिंग। मैं फिर से क्या करता हूँ, 10 फ्रेम पे जाता हूँ, यहाँ पे F6 लगाता हूँ, आप देख सकते हैं मैंने 10 फ्रेम को क्रिएट कर दिया हूं। अब इसी टाइप से मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर देता हूं जो कि जल्दी जल्दी हो। तो हम हर 5 फ्रेम पे जो है इसको एनिमेशन करेंगे। यहां से मैं अब 15 फ्रेम पे जाता हूं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने 6 सेकेंड तक जो है इसको प्रॉपर एनिमेशन कर दिया हूं। और 6 सेकेंड इसलिए किया हूं कि दोस्तों 6 सेकेंड मतलब 180 फ्रेम होते हैं और इसको एक बार रोटेशन करना ज़रूरी होता है तभी आपको लूप में चल पाएगा। अगर हम अभी कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो अभी नहीं चलेगा। इसका रीज़न क्या है कि मैं इसके बाहर जाते हैं, बाहर आने के बाद यहाँ पर भी आपको फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा। कभी कभी दोस्तों मेरे पास कमेंट भी आता है कि हमने अंदर तो एनिमेशन लगा दिया लेकिन बाहर एनिमेशन नहीं लगता है। इसका रीज़न ये होता है कि अंदर जब फ्रेम क्रिएट किए हैं तो आपको यहाँ पे भी फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा 180 फ्रेम तक मतलब 6 सेकेंड तक। तो मैं यहाँ पे आके 180 फ्रेम पे F5 प्रेस करता हूँ। F5 प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेम क्रिएट हो गया। अब हम कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से हमारा जो है एनिमेशन शुरू हो गया है। तो दोस्तों एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास इलस्ट्रेटर से कोई भी फाइल लाते हैं इस हैवी बैकग्राउंड पे, आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा एलिमेंट है तो आपका सिस्टम जो है बहुत स्लो हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप जब भी इस टाइप के हैवी एनिमेशन करना चाहते तो आप पहले उसको PNG कन्वर्ट कर लें फिर जाके आप एनिमेट CC में ला के एनिमेशन करते हैं तो आपको बिल्कुल आराम से हो जाएगा और ईजी से और जल्दी भी हो जाएगा। अब हम इसके पीछे एक बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं, देखते हैं। हम ये हमारा जो है यहाँ पे हो गया है। मैं क्या करता हूँ इसको मैं साइड में रखता हूँ इस टाइप से, या तो मैं इसको यहाँ पे नीचे रख देता हूँ यहाँ पर, और ये हमारा हो गया। हम इसके पीछे एक बैकग्राउंड लगाएंगे। तो दोस्तों हमारे पास एक बैकग्राउंड है यहाँ पर, ये है बैकग्राउंड। इसको हम क्या करते हैं इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं और इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इंपोर्ट। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 लेयर में बैकग्राउंड क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं इस लेयर को यहाँ से डिलीट करता हूँ और नीचे वाले लेयर को इसके जो झूला है उसके नीचे ले गया, आप देख सकते हैं। और मैं इसको क्या करूँगा थोड़ा सा छोटा करूँगा जो कि इसके अकॉर्डिंग हो। तो मैं इसको ये लेयर सेलेक्ट हो गया तो मैं इसको लॉक कर देता हूँ इस टाइप से।
आप देख सकते हैं जब एनिमेशन होता है तो ये जो है बैकग्राउंड इसके पीछे हो। मैं इसको थोड़ा सा और भी छोटा कर देता हूँ। ये हमारा जो है बैकग्राउंड क्रिएट हो गया है। अब आप यहाँ पे जितने भी जो आदमी लगाना चाहते हैं उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। अब मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से हमारा जो है ये बैकग्राउंड क्रिएट हो गया है। और ये एक कोई भी जब सेलिब्रेशन करते हैं या मेला टाइप से लगाते हैं तो आपका एनिमेशन कुछ इस टाइप से होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर दोस्तों मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेकर आऊँ तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।